आज देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रांची सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गत 28 अगस्त 2022 से रांची विश्वविद्यालय स्थित दीक्षांत मंडप परिसर में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन समारोह आज है। राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्वतंत्र सेनानियों का आज़ादी में योगदान, गरीब और वंचित लोगों की सेवा, नारी शक्ति, किसान कल्याण, आयुष व योग के जरिए स्वास्थ्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, युवा शक्ति आदि से जुड़ी प्रमुख योजनाओं पर आधारित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का पारंपरिक उद्घाटन दीक्षांत मंडप रांची विश्वविद्यालय में हुआ। 5 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के समापन समारोह के प्रमुख अतिथि पत्र सूचना कार्यालय एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो के पूर्वी जोन के महानिदेशक श्री भूपेंद्र कैंथोला, जबकि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार सांडल्य, झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार और झारखंड के पहचान दिलाने वाले पद्मश्री मुकुंद नायक एवं रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्ग विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। आजादी के बुकुतिले दिवदीन दिवलाबा जाय दिनन शुभ चलिया तिरंगा आकाशे देखुलारा। ये जो तिरंगा आजादी का प्रतीक है, मिला कैसे मिला? आजादी दिवस आया कहानी कही सुना, गुलाबी से भूपुतिले, गुलाबी से भूपुतिले बिगोले बाजा दिन शुभ चलिया तिरंगा से देखो तिरंगा से देखो आजादी का संघर्ष का नेतृत्व कौन किया? गांधी जी सबके लाज उठाए, सबके लाज उठाए, सहताया हिंसा का बले, सहताया हिंसा का बले गोरा के भागा दिन शुभ चलिया तिरंगा से देखो तिरंगा से देखो। और क्या जैसे के जमाहल का भारत माया कर लज के बजाए दिन शुभ चलिया तिरंगा आँखों से देखो नारा, तिरंगा आँखों से देखो नारा। अंतिम बंत को आप जरूर ध्यान देंगे तभी अमृत महोत्सव मनाना
आजादी का अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा जब शहीदों की बलिदानी को हम न भूलें। याद रखें मुकुमा झारखानी शहीदा के बलिदानी शहीदा के बलिदानी जपना भूला दिन शुभ चलिया तिरंगा से दिखुला तिरंगा से दिखुला लगता है आप तो थके हुए हैं।